मेडिटेशन कमेंट्री टॉपिक है योग को शक्तिशाली व स्थिति को एक रस बनाने वाले शिव बाबा के चुने हुए महावाक्य। पहला महावाक्य, जितना समय ना झुकाएगा उतनी बीमारियां भी बढ़ेंगी ना। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वह है मेडिटेशन। AM 15 दिसंबर 1999। दूसरा महावाक्य, कितनी भी बीमारी हो लेकिन परमात्मा बाप याद है तो बीमारी कम हो जाती है। जितनी कोशिश करके परमात्मा की याद में रहते हैं तो बीमारी आधी हो जाती है। जैसे वह दवाई है तो पहली दवाई यह परमात्मा याद की है। AM 18 जनवरी 13। तीसरा महावाक्य, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। AM 26 जनवरी 95। चौथा महावाक्य, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। SM 2 जून 15। पांचवा महावाक्य, याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाएंगी। AM 2 फरवरी 11। छठा महावाक्य, सदैव एक मंत्र याद रखो, परमात्मा बाप को दिल का साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। 21 मई 77। सातवां महावाक्य, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल परमात्मा बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। SM 22 मार्च 5। आठवां महावाक्य, सदा वह बाबा वह तकदीर और वह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। SM 19 मई 20। नौवा महावाक्य, जो दिल से बाबा कहते हैं उनको बाबा द्वारा दिल से सहज खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। AM 9 जनवरी 96। दसवां महावाक्य, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। SM 27 नवंबर 20। ग्यारहवां महावाक्य, बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। AM 15 दिसंबर 79। बारहवां महावाक्य, सारा बोझ परमात्मा को दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। AM 12 जनवरी 79। तेरहवां महावाक्य, परमात्मा बाप मेरे साथ हैं इसलिए बाप के आगे
अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं। AM 25th नवंबर 85 चौदवा महावाक्य। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। AM 23 नवंबर 79 पंद्रवा महावाक्य। भगवान की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। AM 30 मार्च 98 सोलवा महावाक्य। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भर कर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। AM 7 मार्च 93 सत्रवा महावाक्य। एक परमात्मा बाप के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। 18वां महावाक्य। जितना निराकार स्थिति में स्थित होंगे उतना ही नेगेटिव भावना समाप्त होती जाएगी। 19वां महावाक्य। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। SM 13 मई 1905 20वां महावाक्य। सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित हूँ। ऐसे निमित बनने से ही निराकारी निरहंकारी और नम्र चित्र व निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। AM 2nd फरवरी 69 21वां महावाक्य। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। SM 13 अक्टूबर 21 22वां महावाक्य। चित्त को शांत कर दो तो समस्याएं भी शांत हो जाएंगी। 23वां महावाक्य। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। SM 9 मई 15 24वां महावाक्य। मेहनत व थकावट से बचने के लिए अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए हमेशा समझो करण करावन करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। 25वां महावाक्य। समस्या आ गई यह नहीं सोचो पेपर आया, पास हुए मौज मनाओ। AM 1st मार्च 99 26वां महावाक्य। बोलने वालों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है अचल अडोल रहना। 27वां महावाक्य। जहाँ परमात्मा बाप साथ है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। 28वां महावाक्य। जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा, मेरा बाबा सिर्फ एक ही है जो निर्भय बनाता है। AM 15 जनवरी 86 29वां महावाक्य। जब मेरापन होता है तो फिक्र होती है, जब परमात्मा बाप के हवाले कर दिया जाता है तो बाप जाने बाप का काम जाने। AM 21st नवंबर 84 30वां महावाक्य। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। SM 19 नवंबर 20 31वां महावाक्य। जब भी मन बुद्धि भटकती है तो यह गाना गाओ, पाना था सो पा लिया,
परमात्मा बाप मिला, सब कुछ मिला। AM 13 अक्टूबर 92। 32वां महावाक्य, यदि तुम संसार को सकाश देने की सेवा में लग जाओ तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं माया रहेंगी ही नहीं। ओम शांति।